कुक विद निक्षी में आज आप देखेंगे उबला हुआ मटन को किस तरह से कई दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने गोश्त को साफ धोके कुकर में ले लिया था। तो इसमें डालने के लिए यहाँ पर इस तरह से कटी हुई प्याज लिए है और नमक, इस चम्मच से 3 चम्मच नमक लेंगे। हल्दी पाउडर भी इसी चम्मच से 2 चम्मच पाउडर लेंगे। तो इसमें हम ये सब चीज़ें ऐड करेंगे, प्याज डाल दें, नमक और साथ में हल्दी भी ऐड कर देंगे। अब इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ये बहुत अच्छे से मिल जाता है। फिर हम इसे कवर करके गैस पे चढ़ा लेंगे। बहुत आसानी तरीका है, इस तरह से गोश्त को गला के कई दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसमें चाहे तो प्याज आप स्किप भी कर सकते हैं। एक सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और फिर इसकी 3-4 सीटी होने देंगे। तो देखिए, अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। तो देखिए, इसे हम चेक करके देख लेते हैं, ये बहुत अच्छे से गल गया है। तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और आप इसे स्टील के बर्तन में ही स्टोर करें। काफ़ी दिन तक अच्छा रहता है और जब भी कुछ बनाना है तो बस गला हुआ गोश्त निकाल के जल्दी से डिश तैयार करें।